नमस्कार, विद दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। दस करोड़ हुए जियो के ग्राहक, मुकेश अंबानी ने की जियो प्राइम ऑफर की घोषणा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने मंगलवार को कहा कि जब 30 मार्च 2017 के बाद रिलायंस जियो मुफ्त नहीं रहेगा। उन्होंने जियो के मौजूदा ग्राहकों के लिए जियो प्राइम योजना की भी शुरुआत की। इस योजना का फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जो जियो से 31 मार्च 2017 तक जुड़ते हैं। जियो प्राइम के तहत सिर्फ 99 रुपए देकर एक साल का सब्सक्रिप्शन पाया जा सकता है। 1 मार्च से 31 मार्च तक ग्राहक इस योजना से जुड़ सकते हैं। जियो प्राइम मेंबर को हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के सभी फायदे 31 मार्च 2018 तक मिलेंगे, लेकिन इसके लिए जियो प्राइम के सदस्यों को हर महीने 303 रुपए देने होंगे। इस अवसर पर मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो अपने प्रतिद्वंदियों की पेशकश के मुकाबले उसी कीमत पर 20% अधिक डाटा देगी। उन्होंने कहा कि जियो के ग्राहकों ने प्रतिदिन 3.3 करोड़ से अधिक गीगाबाइट, कुल मिलाकर 100 करोड़ गीगाबाइट इंटरनेट डेटा का उपयोग किया। इससे मोबाइल डेटा इस्तेमाल के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि 2017 के अंत तक देश की 99% आबादी तक रिलायंस जियो पहुंच जाएगा। किसी तरह का हिडन चार्ज, ब्लैकआउट डे या फिर कॉलिंग चार्ज नहीं लगेगा। अंबानी ने इस बात को लेकर खुशी जाहिर की कि रिलायंस जियो ने मात्र 170 दिन में ही 10 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार किया है। हर सेकंड 7 ग्राहक रिलायंस जियो से जुड़ते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 170 दिन में हमने 50 लाख लोगों को रोजगार दिया है। आपने हम पर विश्वास किया, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जो कोई भी जियो के साथ है, उसे आने वाले दिनों में सबसे अधिक फायदा मिले, यही हमारी कोशिश है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, समाज के लिए गंभीर खतरा है हाफिज सईद। मिल्स को आईपीएल में मिले 12 करोड़ पर पीटरसन ने कहा, तंज यह टेस्ट क्रिकेट के चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह है। पाकिस्तान के चारफद्दा शहर में कचहरी में आत्मघाती विस्फोट, 6 लोगों की मौत। कांग्रेस महासचिव मोहन प्रकाश का मोदी पर हमला, लगता है मोदी खतरे के निशान पर आ गए। नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी के राज्य गुजरात के सरकारी खजाने में वैट से होने वाली आय बढ़ी। यह थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।